हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने लगभग पर्यावरण प्रदूषण में लगभग हमारे पास 3 वीडियो आपके पास जा चुके होंगे और उसमें आपने पोल्यूशन के टाइप वगैरह को देख लिया है। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मतलब यह है कि जो विभिन्न प्रकार के शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा देखा जाता है, मोटर वाहनों के द्वारा निकलने वाला, जेट विमानों के द्वारा निकलने वाला, उसके बाद ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाला, यानी जो ये विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से निकलने वाले जो साउंड है, शादी ब्याह में आजकल के विभिन्न प्रकार के जो डीजे वगैरह प्रयोग हो रहे हैं वो उनका साउंड, यानी ये सब जो मिल करके वायु प्रदूषण को तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं। वायु प्रदूषण को जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब सबसे तीव्र वायु प्रदूषण के लिए कौन सा साधन उत्तरदायी है, तो उसके लिए जो जेट विमान होते हैं वो सबसे ज़्यादा, सुपरसोनिक जो विमान होते हैं वो सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। अगर हम बात कर लें कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम सभी डेसीबल का इस्तेमाल करते हैं। डेसीबल डेसीबल का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, ध्वनि प्रदूषण की ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। अगर ध्वनि की तीव्रता को मापना है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसीबल का, ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का? हर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर से जो मोटर वाहनों से, कल कारखानों से या फिर विभिन्न प्रकार के विमानों से जो खतरनाक गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो WHO ने एक मानक दिया हुआ है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह कहा गया है कि 45 डेसीबल तक जो साउंड है, 45 डेसीबल तक का साउंड मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूलित है। इससे ज़्यादा का अगर साउंड होता है तो वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। WHO तो ये कहा कि 45 डेसीबल, जबकि भारत सरकार ने कहा है, भारत सरकार के अनुसार 60 डेसीबल तक मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे अधिक जो ध्वनि है वह हानिकारक माना जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर 90 डेसीबल से कोई व्यक्ति ज़्यादा, 90 डेसीबल से ज़्यादा साउंड में यदि आप लंबे समय तक रहते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति चिड़चिड़ापन, मानसिक चिड़चिड़ापन, एक बीमारी होती है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानसिक चिड़चिड़ापन व्यक्ति में आ जाता है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कब? जब कोई व्यक्ति 90 डेसिबल से या उससे ज़्यादा के साउंड में लगातार रहता है तो उसे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए सड़कों के किनारे सीता अशोक के वृक्ष को लगाया जाना चाहिए। सीता अशोक के वृक्ष को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को रोक सकते हैं, यानी तीव्रता को, क्योंकि यह जो वृक्ष है यह ध्वनि तीव्रता को अवशोषित करता है। ध्वनि तीव्रता को अवशोषित कर लेगा तो उससे क्या होगा कि ध्वनि की जो गति है वो कम हो जाती है। फिर से इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सड़क है, सड़क के किनारे किनारे आपने क्या किया, सीता अशोक का वृक्ष लगा दिया, तो सीता अशोक का जो वृक्ष होगा वह क्या करेगा, अगर यह वृक्ष लगा दिया, अब यहाँ से कोई मोटर गाड़ी गुजर रही है, हॉर्न बजाएगी तो ये साउंड इधर आएगा और इन्हें क्या होगा, वनों में
इस पेड़ों में क्या होगा, फंस करके उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे दूसरे और जो अदूर में क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसने ध्वनि की तीव्रता को कम कर दिया, किसने कम कर दिया, पेड़ पौधों ने, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ग्रीन मफलर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जो सड़कों के किनारे ग्रीन कलर के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, खासतौर से किस वृक्ष के, तो आपके कौन से पौधे, तो खासतौर से आपके सीता अशोक के जो पौधे हैं वह क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ध्वनि प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण, तो कौन सा, सुपरसोनिक विमान, रॉकेट इंजन या जेट प्लेन्स उत्तरदायी होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्राकृतिक कारण कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, तब उत्तर हो जाएगा आपका ज्वालामुखी, आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, तो प्रदूषण को दूर करने के लिए निम्न उपाय होना चाहिए। पहला है, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए बोगेनवेलिया के वृक्ष को लगाइए, क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण दूर हो जाएगा। अगर आपको ध्वनि प्रदूषण दूर करना है तो सीता अशोक के पेड़ को लगाइए, अगर आपको धूल प्रदूषण को रोकना है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सहजन का या नीम के वृक्ष का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यदि आपको जल प्रदूषण को दूर करने के लिए आपको जलकुंभी का इस्तेमाल करना चाहिए, जलकुंभी। अलग अलग पॉइंट से आपके परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। यानी ये आपके वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए बोगनवेलिया के पेड़ को, ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए सीता अशोक के पेड़ को, और यदि आपको धूल प्रदूषण को रोकना है तो क्या करें आप, तो आप सहजन या नीम का पेड़ लगाएं, और यदि आपको जल प्रदूषण को दूर करना है तो जलकुंभी के पेड़ को लगाएं, समस्या समाधान हो सकता है। हमने आपको ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो सड़कों के किनारे किसका पेड़ लगाया जाता है, सीता अशोक का जो पेड़ लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट्स और हैं, सूचक प्रदूषण की सूचक कुछ जीव हैं या पौधे हैं। सूचक का मतलब सूचना देने वाला। अब अगर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसकी सूचना देने वाला एक पौधा है, और वह पौधा कौन सा है, लाइकेन है। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक पौधा है, अर्थात यदि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन सूख जाते हैं, लाइकेन समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कब सूखेंगे, वायु प्रदूषण अगर बढ़ेगा, वायु प्रदूषण में खासतौर से कौन, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाता है तो यह आपके सूख जाते हैं। क्लियर है। अब दूसरा चीज़ ये समझिएगा,
कि यदि सीवेज प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरा है सीवेज प्रदूषण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन है, तो ई कोलाई एक जीवाणु है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसकी मात्रा पानी में बढ़ जाएगा। अगर ई कोलाई की मात्रा जल में बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीवेज प्रदूषण इसका मतलब हो रहा है। दूसरा, अगर जल प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी सूचना कौन देता है, जल प्रदूषण, तो इसका प्राकृतिक सूचक कौन है, डाई एटम्स। डाई एटम्स यह जो आपका जीव है ये जल प्रदूषण की सूचना देने वाला एक प्राकृतिक जीव है। यदि जल में डीडीटी का विस्तार हो जाए, जल में डीडीटी बढ़ रहा है, इसकी जो सूचना देने वाला जीव है, पौधा है, वह है डेफनिया। डेफनिया यानी वायु प्रदूषण की सूचना देने वाला प्राकृतिक पौधा है लाइकेन। आपका सीवेज प्रदूषण की सूचना देने वाला प्राकृतिक जीव है ईकोलाई, जल प्रदूषण की सूचना देने वाला है डाई एटम्स, और जल में डीडीटी की मात्रा बढ़ेगा तो डेफनिया जो होता है उसकी सूचना दे देता है। ये तो आपके हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब टेट के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। टेट के लिए आपको बाकायदे इन सबको तैयार रखना होगा। थोड़ा सा एक पार्ट और हम लोग कर लें, वो जो पार्ट है आपका वह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, ई कचरा जो होता है वह भी बहुत अधिक हानिकारक है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनका निस्तारण सही नहीं हो पाता है। इसलिए आज ये भारत ही नहीं, दुनिया के लिए ये अधिक हानिकारक होते जा रहे हैं। ये भी क्या है, बड़े स्तर पर जैसे इनसे सीसा, क्रोमियम और भी खतरनाक गैसें निकलती हैं, तरल पदार्थ निकलता है जो वायु प्रदूषण के लिए और जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इनको भी रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यानी जो कंप्यूटर का कचरा है वह किस प्रकार का ई वेस्ट यानी ई कचरा के रूप में यह जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका वह किस पर रहेगा, वह अपशिष्ट प्रबंधन पर एक वीडियो बनाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर बताएं कि निर्णय अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उन्हें वो नंबर दे दें 94-73-88-12-83। ये नंबर दे करके उस मित्र का भी क्या करें, परीक्षा पास होने में सहयोग करें, ये उसका भी भविष्य निर्माण करने में मदद करेगा। धन्यवाद।